Welcome back to my YouTube channel, friends. Today I am presenting automatically changeover. I am explaining this automatically changeover, and I am suggesting how to work automatically changeover, and I am giving a circuit diagram so you can also make this automatically changeover. And I am explaining with digital display so you can easily learn and easily making this automatically changeover. So I will give you information about this automatically changeover. So how to work automatically changeover, I will suggesting. Friend, आज हम मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिकली चेंज ओवर कैसे काम करता है और ऑटोमेटिकली चेंज ओवर की ज़रूरियात क्यों पड़ती हमें पावर सिस्टम में. पावर सिस्टम में आपको दोस्तों ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जब आप चेंज ओवर का यूज़ नहीं करोगे तो आपका जो पावर है वो इंटरप्ट होगा तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, तो आपको मैन्युअली अप डाउन करके जो है उसको करना पड़ेगा. तो ऑटोमेटिकली चेंज ओवर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, जब आपकी का जो जनरेशन है वो बंद हो गया तो त्यारे तब आपका पावर लॉस हो जाएगा. तो दोस्तों आपको तब पावर को डाइवर्ट करना पड़ेगा. तो डाइवर्ट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी चेंज ओवर की, जो कि चेंज करता है, डाइवर्ट करता है आपका पावर का डायरेक्शन. तो फ्रेंड, जब आप डाइवर्ट करते हो तो आपको कोई अल्टरनेटिव सोर्स चाहिए. अल्टरनेटिव सोर्स की जो मैं बात करूं तो आपको इन्वर्टर और जनरेटर चाहिए. तो ऑटोमेटिकली कैसे डिटेक्ट करेगा कि जनरेटर है या इन्वर्टर है, तो वो ऐसे काम करता है कि जब आपका जो पावर है वो डिस्कनेक्ट होता है तभी वो ऑटोमेटिकली आपका जो कनेक्टेड डिवाइस है, जो कि जनरेटर हो या इन्वर्टर, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है. वो कैसे कनेक्ट होता है वो मैं आपको जो डिजिटल डिस्प्ले आज तो मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए, तो आपको डिजिटल डिस्प्ले में मैं समझाऊँगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत आपको समझा दूँगा कि जिसके तहत वो जो हमारे दूसरे पर्सन भी समझ सके. एंड फर्स्ट आई विल गिव यू पाथ हाउ टू वर्क. फर्स्ट कनेक्टेड इन ग्रिड एंड ग्रिड पावर इज हियर, सो ग्रिड पावर इज प्रेजेंटेड. सपोज ग्रिड पावर इज प्रेजेंटेड, सो चार्ज कंट्रोल चेंज ओवर इज करंट पाथ इज बेसिकली ग्रिड रिले सिस्टम आफ्टर रिले सिस्टम इन प्रोटेक्शन डिवाइस लाइक एज अ फ्यूज MCB एंड RCCB लाइक एवरीवेयर. एंड आफ्टर देन कनेक्टेड इन योर डिवाइसिस. विच डिवाइसिस? इंडक्शन मोटर्स एंड होम अप्लायंसेस यू कैन ऑल्सो यूज. सो इट इज अ चेंज ओवर पाथ. वेन यू आर सपोजिंग ग्रिड पावर इज नॉट प्रेजेंटेड, सो यू कैन नीड एक्सटर्नल पावर. विच पावर? इट इज जनरेटर एंड इन्वर्टर. वेन ग्रिड इज नॉट प्रेजेंट, सो अनफॉर्चुनेटली ऑटोमेटिकली कनेक्टेड एंड इन्वर्टर और जनरेटर. सो RYB इट इज अ 415 एंड 14 वोल्ट. सो इट इज 3 फेज. सो आई एम टेलिंग यू दिस इज अ डेंजरस वोल्टेज. सो दिस इज RYB इज कनेक्टेड इन ग्रिड. सो वेन ग्रिड पावर इज नॉट अवेलेबल, सो ऑटोमेटिकली इज डिटेक्टेड देन इट कनेक्टेड इन जनरेटर और इन्वर्टर. वेन कनेक्टेड जनरेटर एंड इन्वर्टर, दिस कनेक्शन इज ऑटोमेटिकली चेंज. देन इट इज कंज्यूमिंग पावर वेन कनेक्टेड इन इन्वर्टर, सो कंज्यूमिंग इन बैटरी ऑल्सो
obviously it is a power consuming battery. Or when connected in generator, so this consuming power it energy, but it is indirectly it petrol consuming, because generator are consuming petrol or diesel. दोस्तों ये जो सर्किट है वो मैंने खुद डिज़ाइन की से, ये सर्किट मैंने खुद बनाई है, और ऐसी सर्किट आपको जो मेरा सर्किट डायग्राम है वो जो मैंने खुद बनाया है, ऐसा डायग्राम जो आपको YouTube में भी मिलेगा तो मैं आपको कमेंट करके बताना कि YouTube में ही नहीं है, ये मैंने जो बनाया वो आउट ऑफ यूट्यूब है, आउट ऑफ यूट्यूब है, तो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा ये कंटेंट। तो आप भावपूर्वक देखना क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन हियर, सो इट इज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो माय। तो फ्रेंड्स आप अब मैं लेके जाता हूँ मेरी डिजिटल डिस्प्ले में, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आप आ चुका हूँ अपनी जो डिस्प्ले है डिजिटल डिस्प्ले में आ चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं ये है ऑटोमेटिकली चार्ज कंट्रोलर थ्री फेज का, मैंने गुजराती में लिखा है क्योंकि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों रिले है, ये एक दो तीन, तीन रिले मैंने यूज़ किए हैं, और ये रिले में आप तीन रिले में थ्री फेज जोड़कर यूज़ करते कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यू नीड अ थ्री रिले, विच रिले यू कैन ऑल्सो यूज इन 16 एम्पियर रिले एंड 32 एम्पियर रिले। सो फ्रेंड्स तीनों रिले में आपको पांच पांच कनेक्शन के ये पांच पिन मिलेगी, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। सो फ्रेंड्स ये पांचों पिन में से आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि जब दोस्तों आप इसमें थोड़े बहुत जानते हैं तभी उसको ये बनाना, क्योंकि ये डेंजरस होता है, इलेक्ट्रिक का आप चाड़ा मत करना, ये थोड़ा डेंजरस हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जनरेटर है और ये ग्रिड है, ग्रिड मतलब कि आप जो पावर का जनरेशन होता है उसको ग्रिड बोलते हैं, जहाँ से का पावर लेते, और जनरेटर किसको बोलते, पावर का जनरेशन होता है उसको भी बोल सकते, पर लेकिन ये एक्सटर्नल जनरेटर है, ये इंटरनल नहीं है, इसके जगह इन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं और यूपीएस भी, और आपके पास जो भी स्रोत है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक रेक्टिफायर की, क्योंकि जो रिले वर्क करता है रिले ओनली वन डीसी वोल्टेज पर वर्क करता है, रिले नॉट वर्क इन एसी, अल्टरनेटिंग करंट आर नॉट सपोर्टिंग इन रिले सिस्टम, सो यू यू कैन नीड इन ओनली वन डीसी पावर सप्लाई। तो फ्रेंड जब आप ये रेक्टिफायर बना लोगे तभी रेक्टिफायर का प्लस और माइनस जो है आपको देना पड़ेगा सभी रिले के प्लस 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 माइनस 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 में, आप देख सकते हैं सभी रिले के जो प्लस है वो कॉमन है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों अब देखो क्या करना है, थ्री फेज है इसलिए आपको चाहिए आर वाई बी तीन वायर होंगे और चौथा न्यूट्रल भी शामिल होगा, तो न्यूट्रल को आपको दोनों में कॉमन कर देना है, मतलब कि ये जो जनरेटर है उसका न्यूट्रल भी ग्रिड के न्यूट्रल से आपको जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। दूसरा जो जनरेटर का आर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे गया है, पहले रिले के वो जो एनसी में गया है, एनसी मतलब कि नॉर्मल क्लोज, एनओ मतलब नॉर्मली ओपन, कि आप देख सकते हैं पहले वाला जो ये जो है ये कनेक्ट है ग्रिड से, पहले वाला जो एनओ है, एनओ एनो मतलब आपको मैंने आपको बता दिए नॉर्मली ओपन, मैं बैठ जाता हूँ थोड़ा मुझे आसानी हो जाए। दोस्तों ये है कनेक्टेड है ग्रिड के आर से नॉर्मली ओपन, एनसी कनेक्टेड है वो भी आर से पर जनरेटर वाला आर से, आर से पर नॉर्मली क्लोज, मतलब कि जब हम रेक्टिफायर से पावर नहीं भी देंगे तो ये कनेक्टेड रहेगा जनरेटर से, आप देख सकते हो।
जनरेटर से कनेक्ट होगा और ये जो है वो डायरेक्ट बस बार में जहाँ पे जाता है। आर आर हमारे पास तीन आर है, तीन वाई है, तीन बी है और तीन एन है, वो सब जाता है बस बार में, ये बस बार है। तो जब हम इसको पावर देंगे रिले को, तो मतलब कहाँ से देंगे, रेक्टिफायर से, और पावर देंगे तब ये कनेक्टेड हो जाएगा ग्रिड में। हम ऐसे देंगे तो इसमें ऐसे होता है, सब प्रथम ये कनेक्टेड होता है एनसी, जब पावर नहीं देंगे ऐसे करके जो उसमें होता है, जब पावर देंगे तब ऐसे हो जाता है ऐसे। मतलब कि जो ये वाला है ये इसको कॉमन बोलते हैं, वो कॉमन कनेक्टेड हो जाएगा इसमें ऐसे ऐसे। तो सारा पावर हमारा डाइवर्ट हो जाएगा ग्रिड से। अब कैसे डाइवर्ट होगा, तो ये जो आर है वो आर चले जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ से लाइन गई है और यहाँ से आती हुई आर में। अब देखो दोस्तों, जब हम कनेक्ट करेंगे मतलब कि पावर देंगे इस रेक्टिफायर को, तो ये आई जाएगा ग्रिड पे। मतलब कि इसका फंडा ऐसे है कि जब हमारे ग्रिड लाइट आ जाएगी वापस से, तब ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो जो ग्रिड पे, और लाइट जैसे ही जाएगी ऐसे ही आपका डिवाइस आ जाएगा जनरेटर पे। मतलब कि इंटरप्ट नहीं हुआ, भले लाइट चली गई पर आपका जो मशीन है वो चल रहा है जनरेटर पर। तो ऐसा कुछ फंडा है, आप अब मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ कैसे। और दोस्तों एक बात मुझे याद आई, जो रेक्टिफायर है उसको कभी आप मत कनेक्ट करें जनरेटर से, क्योंकि जब आप जनरेटर से कनेक्ट करेंगे तो आप उल्टा करेगा। जैसे अभी देखो कैसे काम कर रहा है कि लाइट गई तो जनरेटर पर आ गया सब हमारा सारा लोड। तो आप जब रेक्टिफायर को जनरेटर से कनेक्ट करोगे तो होएगा ऐसा कि जब आपकी लाइट आएगी तो आपका कनेक्ट होगा जनरेटर पे, और लाइट जाएगी तो कनेक्ट होगा ग्रिड पे, एटले मतलब उल्टा खुलटा हो जाएगा। तो आप उल्टा मत करें, इसलिए आप याद रखें कि जो रेक्टिफायर वाली सर्किट है उसको पावर देना है ग्रिड से, जो मैंने दिया भी है आप देख सकते हैं। तो रेक्टिफायर का जो एन है वो तो न्यूट्रल में कॉमन ही है दोनों में, तो न्यूट्रल तो कॉमन ही रहने वाला है हमारा। आप देखो दूसरी बात, जो फेज है तो फेज गया है यहाँ से, आप देख सकते हैं वो ये वाला फेज है, तो फेज गया है ग्रिड के आर से, और ग्रिड का आर जुड़ा है इस वाले रिले में, तो कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा। ऐसे ही आप देख सकते हो कि जो आर आर वाला आप फंडा समझ चुके। अब न्यूट्रल तो ऐसे ही ले का उसमें कुछ नहीं है, न्यूट्रल तो आप जैसे कॉमन है तो ऐसे ही बस बार में डायरेक्ट डाल देने के। तो न्यूट्रल में ये फ्यूज लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है मेरी तरफ से, आप छूट है। और आर वाई बी में फ्यूज आपको फरजियातपणे चाहिएगा, तो फ्यूज आर वेरी यूजफुल डिवाइस, तो यू कैन यूज इन फ्यूज दिस वे। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी बात हम जान लेते हैं कि जो ये तो आर वाला हो गया, अब दूसरा रिले बी वाला हम समझ लेते हैं। तो जो बी वाला रिले है तो वहाँ कहाँ से कनेक्शन गया है आप देख सकते हैं, यहाँ से होकर ये बी वाला यहाँ पर गया है, और वही रिले से वापस आकर वो जो बी वाला कनेक्शन है यहाँ पर जा रहा है। मैं देख लेता हूँ, वही है ना, मुझे थोड़ा तकलीफ हो गया था। तो ये जो ये वाई है, सॉरी फ्रेंड्स, ये वाई है, वाई वाला है, बी वाला लास्ट में है, ये वाई है और बी लास्ट में होगा इस रिले में, और इसके तहत जाते हुए नीचे उतरता है बस बार में, ऐसे कुछ काम करता है। और ये मैंने ही बनाया, आप देख सकते हैं श्याम मेहता, मैंने ही बनाया है, ओरिजिनल है, 100% वर्क करता है। और दोस्तों मुझे भी आपको समझाने में भी थोड़ा हिंदी में तकलीफ ऐसे इसलिए होता है क्योंकि मेरी मदर टंग गुजराती है, अगर जो मैं आपको गुजराती में समझाऊँ तो मुझे तो आसानी होगी, पर लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा समझने में मुश्किली ज़रूर होती है क्योंकि गुजराती आपको नहीं भी समझ में आती है, तो ये कोई चिंते की बात नहीं है, मैं आपको हिंदी में इसलिए ही समझा रहा हूँ। तो दोस्तों दूसरी बात, यहाँ पर आप स्विच ज़रूर लगाएं क्योंकि जो स्विच है वेरी यूजफुल डिवाइस है, और स्विच के बगैर आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तो आप फेज में यहाँ पर रेक्टिफायर में भी आप स्विच लगा सकते हैं, क्योंकि जब ऑटोमेटिकली तो काम करेगा पर जब आपको मैन्युअली काम होगा तो ये स्विच नहीं लगा गया तो आपको उपयोग में नहीं आ गया, तो इसलिए आपको स्विच ज़रूर लगाए। तो दोस्तों मैंने ये ऑटोमेटिकली जो चेंज ओवर है वो पूरे तरह से एक्सप्लेन किया है, तो आप देखना और
मेरी चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। और दोस्तों ये तो मैं आपको आँख बंद करके दिखा रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन मेरी सिवा बहुत कम चांसेस है मिलने के लिए, क्योंकि ये जेन्युइन होता है। मेरी चैनल में ऐसा कुछ नहीं होगा कि फोकट में आपका टाइम वेस्ट करूँगा, क्योंकि इस चैनल में जेन्युइन ही वीडियो आएगा वो मेरी गारंटी है। कोई ऐसा नहीं कि आपको ये करेंगे जब बनाने बैठेंगे और आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, ये जेन्युइन कंटेंट ही इस चैनल में आता है। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।